एक आपके लिए एक पहेली है, ठीक है? बुझो और बताओ, आपने बताना है कि हम कैसे ये काम को कर सकते हैं या नहीं। प्रभा अपने पड़ोस के गांव में नानी के यहाँ जा रही है। वह अपने साथ 15 किलो गन्ना, गन्ना सब बच्चों ने खाया है, कैसा होता है टेस्ट उसका? मीठा। 7 किलो सेब, सेब का टेस्ट मीठा। और 8 किलो टमाटर, टमाटर का टेस्ट खट्टा ले जाना चाहती है। उसे एक नदी पार करनी है, ठीक है? वो इतना सारा सामान क्या करना चाहती है? अपने साथ ले जाना चाहती है। उसे एक नदी पार करनी है, ओके? नाव में वह 25 किलोग्राम तक का भार ले जा सकती है। अब जिस नदी को वो पार कर रही है उसमें हम नाव से जा सकते हैं, लेकिन उस नाव में एक शर्त है कि नाव में वह 25 किलोग्राम का ही भार ले जा सकती है। अगर 25 किलोग्राम से हम ज्यादा सामान ले गए तो नाव डूब जाएगी। क्या वह सारा सामान ले जा पाएगी या नहीं? अब देखो, ध्यान से सुनो, ये सारा सामान है। अब हमको करना क्या पड़ेगा? हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो ये सारा सामान है कहीं वो 25 किलो से ज्यादा का तो नहीं है। अगर वो 25 किलो से ज्यादा का होगा तो नहीं ले जा पाएंगे, और 25 किलो से कम का होगा तो ले जा पाएंगे। अब देखो, हम कैसे पता चलेगा कि ये सारा सामान हमारा 25 किलो से कम का है या ज्यादा का? कैसे पता चलेगा? नहीं, कैसे पता चलेगा है? कैसे पता चलेगा? जोड़ के। चलो जोड़ो, 15 में 7 जोड़ो पहले। बाईस, 15 और 7 हो गया 22। अब 22 में जोड़ो 8। तो कितना हो गया टोटल? जो हमारे पास जो सामान हो गया वो हो गया 30 किलो केजी, ठीक है? 30 केजी हो गया। तो 30 केजी ज्यादा है या 25 केजी? 30 केजी ज्यादा है। इसका मतलब हम उस नाव में सामान ले जा पाएंगे या नहीं? नहीं। और अगर ले गए तो डूब जाएगी। तो इसका मतलब क्या, वह सारा सामान ले जा सकती है? नहीं। आंसर क्या होगा? नहीं। तो इसका मतलब प्रभा अपने पड़ोस के गांव में नानी के यहाँ जो जा रही है वो सारा सामान नहीं ले जा पाएगी, ठीक है? उसमें से अगर मैं ये बोलूँ कि इन तीनों में से अगर उसने कोई 2 सामान ले जाने हैं उस नाव में, तो कौन सा सामान ले जाना, कौन कौन सा सामान ले जा पाएगी वो बता। चलो, सेब और टमाटर दोनों कितने हो गए? 8 और 7 को जोड़ो। 8 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15। हाँ, तो 15 किलो तो ले जा सकते हैं, 25 किलो से कम तो हम कितना भी ले जा सकते हैं। अगर हम इन दोनों को देखें, हम बोलेंगे गन्ना और सेब ले जाना चाहते हैं, तो क्या ले जा पाएगी? 15 और 7 को जोड़ो। 15 और 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हमें 7 जोड़ो। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। कितना? 22। तो 22 मतलब अगर हम उसको बोलेंगे तो आप गन्ना और सेब ले जाते हो तो भी ले जा सकते हैं, क्योंकि वो भी 25 से क्या आ रहा है? कम। अब हम बोलेंगे आप गन्ना और टमाटर ले जाओ, तो गन्ना और टमाटर कितना कितना जोड़ना पड़ेगा हमें? 15 और 8 जोड़ो जरा। 15 और 8, 15 में जोड़ो 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 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 23
उससे कम है। इसका मतलब हम कोई से भी दो सामान ले जा सकते हैं, लेकिन तीनों सामानों को हम नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि उनका वेट क्या हो रहा है, कितना हो रहा है वो, 30 किलो। ओके समझ आई? यस सर।